आज हम बनाने जा रहे हैं पुरानी दिल्ली का फेमस प्यार मोहब्बत का शरबत या तरबूज का शरबत, आप जो इसे कह लीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में और बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसमें बहुत ही कम सामान लगते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है ये आधा तरबूज का टुकड़ा और इसे हम कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। आपको जिस क्वांटिटी में बनाना उस हिसाब से आप बर्तन ले सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे एक गिलास दूध। ये देखिए ये ठंडा दूध है एकदम। तो अब हम दूध को इस बर्तन में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ सिरप। आप रोज़ सिरप की जगह पे रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और शुगर सिरप भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हम 2-3 चम्मच ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे हम एक बार ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और अब हम इसमें मिक्स कर देंगे जो तरबूज के छोटे छोटे टुकड़े हमने काट के रखे हैं वो। ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, एकदम जेली फॉर्म में लग रहा है। और आप चाहें तो इसमें सब्जा भी ऐड कर सकते हैं, आपने टेस्ट के ऊपर है। थोड़ा सा लुक भी और अच्छा आएगा इसमें। तो अब हम इसे ग्लास में पोर कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें आइस क्यूब ऐड करेंगे। तो हम लेंगे एक ग्लास। और अब हम इसमें आइस क्यूब ऐड कर देते हैं। रोज़ सिरप से आप इसे थोड़ी सी गार्निश कर सकते हैं। कितना अच्छा कलर आया है इसका। और हम इसे एक दूसरे तरीके से भी परोस सकते हैं। ये देखिए उसके लिए हमने तरबूज को एक अच्छी सी कटिंग कर दी है और उसमें हम ये शरबत ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें भी आइस क्यूब ऐड कर देंगे, रोज़ सिरप से गार्निश कर देंगे। ये देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है। शरबत बनके तैयार है और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में और पीने में उतना ही ये ठंडा है। आप चाहे तो इसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो। और एक बार ज़रूर पिए। और आप इसे व्रत में भी पी सकते हैं, गर्मियाँ वैसे भी शुरू हो गई हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर टेस्ट करें और ट्राई करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो आगे मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।